हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब खुश होंगे और खैरियत से होंगे। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त सी रेसिपी जिसका नाम है काशी फल या हलवा कद्दू, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। तो चले चलते हैं रेसिपी की तरफ। जी, मैंने 1 kg काशी फल ले लिया है, इसको मैंने वॉश कर लिया है। और मेथी दाना हमने लेना है 1 टेबल स्पून। एक हमने प्याज लेनी है जिसको हमने चॉप कर लेना है। 4 मैंने साबुत लाल मिर्चें, 2 हरी मिर्चें ली हैं। और इसके साथ साथ मैंने लिया है सॉल्ट टू टेस्ट 1.5 चम्मच, और 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च ली है पिसी हुई, 1/2 चम्मच हल्दी, और इमली का पानी जिसको मैंने इमली को अभी भिगो दिया है। तो चले अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। जी, ये मैं कटिंग कर रही हूँ इसकी। हमने बीज में से कट किया, इसके बीज हटाए और इसका छिलका उतारा। काफ़ी लोग इसका छिलका उतारे बगैर भी बनाते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो इसका छिलका ना भी उतारें, लेकिन हम इसी तरह से बनाते हैं। तो जी, ये हो रही है कटिंग, और ज़बरदस्त सी इसके हमने क्यूब्स बना लिए हैं और कट कर लिया है। ये देखिए जी, अब मैं अनियन को स्लाइस कर रही हूँ। अनियन को भी मैंने स्लाइस कर लिया है। जी फ्रेंड्स, हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है, आपने देखा। अब हम फ्लेम ऑन कर चुके हैं और ऑयल डाल रहे हैं। पतीली हमारी गर्म हो चुकी है, ये मैंने 1.5 चम्मच ऑयल लिया है। और अब ये देखिए जी, हम इसमें सबसे पहले अनियन डालेंगे जो हमने स्लाइस किए थे। 1 अनियन हमने लिया था, इसको हमने स्लाइस कर लिया था। और ये देखिए जी, रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ रखे हुए हैं, आप देखते रहिए और बनाते रहिए मेरे साथ साथ। ज़रूर रेसिपी को फॉलो किया करें। और अब हम इसमें प्याज ब्राउन करेंगे, लाइक हमने बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करनी, थोड़ी सी सौगी सी करके हमने इसको वापस निकाल लेंगे। ये देखिए जी, प्याज ब्राउन हो रही है, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हमने करनी है, लाइट ब्राउन सी, और इसको हमने निकाल लेना है वापस। जी, आप लोग ज़रूर ट्राई किया करें रेसिपी विंटर्स के लिहाज से। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 टेबल स्पून ज़ीरा और 1 टेबल स्पून मेथी दाना। ये देखिए जी, अब हम इसका भगार लगा रहे हैं, और इसके साथ साथ हम डाल देंगे इसमें काशी फल जो हमने पहले से कट करके रखा हुआ था, क्लीन करके। जी फ्रेंड्स, ये देखिए ज़ीरा ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें शामिल करने वाली हूँ काशी फल या हलवा कद्दू, आप जो भी इसको नाम लेना चाहें आप दे सकते हैं। ये देखिए जी, मैंने अब इसमें शामिल कर दिया है। अब हम इसको भूनेंगे, और देखिए ऑयल में इसी तरह से हमने इसको फ्राई करना है। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई स्पाइसेस। ये देखिए जी, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, सब बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। ये देखिए जी, आप लोग ज़रूर ट्राई करें घर में। जी फ्रेंड्स, ये देखिए अभी ये हो गया है, भून गया है। अब मैं इसमें जो है ड्राई स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ, जिसमें शामिल है 4 अदद साबुत लाल मिर्च, हल्दी 1/2 चम्मच, 1 चम्मच लाल मिर्च पिसी हुई, 1.5 चम्मच नमक। ये देखिए जी, अब हमने इसमें ऐड कर दिया है, और अब हम इसको फ्राई करेंगे। इसी के साथ सारे ड्राई स्पाइसेस को मिक्स करेंगे और इसको अच्छे से हम भूनेंगे। जी फ्रेंड्स, जब आपको लगे कि ऑयल साइड हो रहा है, और ये देखिए जी ऑयल साइड पे हो गया है और अच्छे से भुनाई हो चुकी है, तो अब हम इसमें शामिल करेंगे जो हमने प्याज ब्राउन करके पहले से निकाली थी, वो शामिल करेंगे। 1/2 ग्लास पानी और 1 प्याली हमने इमली का रस जो हमने पहले से बना के रखा था वो शामिल करना है। ये देखिए जी,
ऑयल अलग हो गया है, अब हम इसमें आधा ग्लास पानी शामिल कर दिया। ब्राउन हुई हुई सौगी प्याज हमने शामिल कर दिए एक, और आधा या एक आप जो भी टेस्ट के लिहाज से देख सकते हैं, एक प्याली मैंने इसमें शामिल की है इमली का पेस्ट या इमली का पानी कह लें आप। अब हम इसको इसी में कुक होने देंगे। जी फ्रेंड्स, जो मेरे बिगनर फ्रेंड्स हैं और जो अभी कुकिंग सीख रहे हैं, ये याद रखिएगा प्याज हमने इसमें डाल के नहीं पकानी, पहले से उसको हमने सौगी करके अलग करना है और एंड में हमने इसमें शामिल करनी है। जब ये पानी हो जाए कुक और सब चीज़ें हो जाएं, देखें इस तरह से ये भुनाई के टाइम पे हो जाएगा, इवन 10 to 15 मिनट्स में ये रेडी हो जाती है डिश। ऑल कुकिंग इसका टाइम है। और ये देखिए जी, अब हमने इसको हल्का हल्का प्रेस करना है, स्क्वीज़ करना है इस तरह से, और भुनाई करते जानी है। पानी खुश्क हो चुका है, पानी इसका पूरा फुल ड्राई हो गया है, प्याज आपको इसमें थोड़ी थोड़ी सी नज़र आ रही होगी, और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है इसका, चटपटा सा, थोड़ा इमली का भी इसमें टेस्ट आ रहा है। और इसके साथ ये देखिए जी, मैंने मर्ज किया है ज़ीरा राइस और पीली दाल हमने बनाई थी, इसके साथ ये ज़रूर आप मर्ज करके बनाया करें, ये बहुत मज़े की रेसिपी लगती है। आप इसको ज़ीरा राइस के साथ ट्राई करें और नान के साथ ट्राई करें, बहुत ही अच्छा होता है ये। जी फ्रेंड्स, इसमें मैंने 3 हरी मिर्ची बारीक शामिल करी और दम पे इसको रख दिया और गार्निश कर दिया। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।